स्पेक्ट्रम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी आज अपन लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज ब्लड रिलेशन, उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन देखने वाले। ठीक है, लेट्स सी। ब्लड रिलेशन, अगर इसी को हिंदी में बोला जाए तो खून के रिश्ते, मराठी रक्ताची नाती। ठीक है, अभी ये जो ब्लड रिलेशन होता है ये दो तरह से आता है। सबसे पहले अपना जो रिलेशन बनता है वो बनता है बाय बर्थ एंड सेकेंड वन इज बाय इन लॉज, राइट। अभी सबसे पहले ये जो बाय बर्थ रिलेशंस है, ये बाय बर्थ रिलेशंस में मतलब कैसे, जन्म से जो नाते बनते हैं, मतलब अपन अपना जन्म होने से पहले ही वो नाते एस्टैब्लिश है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, वैसे नाते जैसे कि अपने मम्मी पापा, फिर उसके बाद अपने दादा दादी नाना नानी भाई बहन, वो सारे के सारे हो गए बाय बर्थ वाले रिलेशंस। देन बाय इन लॉज के रिलेशन, बाय इन लॉज के रिलेशंस मतलब क्या, सबसे पहले अपना लाइफ पार्टनर, अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर दैट इज योर हस्बैंड, अगर आप मेल हो तो आपका लाइफ पार्टनर दैट इज योर वाइफ, राइट। देन उसके मम्मी पापा, वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उसके भाई बहन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। देन उसके बाद अगर सपोज आपके मम्मी पापा है और आपके मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा के लिए अपना जो हस्बैंड रहेगा वो रहेगा सन इन लॉ, मम्मी पापा के लिए अपनी वाइफ रहेगी दैट इज डॉटर इन लॉ, ऐसे कुछ रिलेशंस। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि ये जो रिलेशंस है ये रिलेशंस को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। लेट अस सी ब्लड रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मदर्स और फादर सन दैट इज माय सेल्फ और वी कैन से इट्स योर ब्रदर, राइट। द सेकेंड, मदर्स और फादर्स डॉटर दैट इज माय सेल्फ और सिस्टर। ये माई सेल्फ दो जगह पे क्यों है, अगर आप सन मतलब आप अगर मेल हो तो मेल के लिए माई सेल्फ, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के लिए माई सेल्फ, क्लियर। देन मदर्स और फादर्स ब्रदर दैट इज अंकल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मदर्स रिलेशनशिप जो होती है मतलब मम्मी वाली साइड के रिलेशन, मौसी मामा मामी नाना नानी, ये सारे के सारे रिलेशन आते हैं मैटरनल रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, मदर्स रिलेशनशिप्स जितने भी आएंगे वो आएंगे मैटरनल। अगर सपोज अंकल बोला देन वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि वो मैटरनल अंकल है या फिर पैटरनल अंकल है या चाचा है या फिर मामा है, बट अगर मैटरनल अंकल बोला तो वहां पे स्पेसिफाई होगा कि वो मामा ही है अपने मम्मी का भाई, ठीक है। एंड जो भी फादर्स वाले रिलेशंस होते हैं दैट इज पैटरनल, पापा के थ्रू, ठीक। मदर्स और फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर रहा तो मैटरनल अंकल, फादर्स ब्रदर रहा तो पैटरनल अंकल, मदर्स और फादर्स सिस्टर मैटरनल आंट पैटरनल आंट, मदर्स और फादर्स फादर सेम मैटरनल ग्रैंडफादर पैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स और फादर्स मदर मैटरनल ग्रैंडमदर पैटरनल ग्रैंडमदर, सन्स वाइफ अपने लड़के की बहू अपने लड़के की वाइफ दैट इज डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड दैट इज सन इन लॉ जामाई राजा, ठीक है। देन हस्बैंड और वाइफ सिस्टर मतलब क्या, अभी ये देखो सिस्टर तो हमने देख ली, अभी सिस्टर इन लॉ कैसे आती है। सबसे पहले सिस्टर इन लॉ यानी कि अगर आप लड़की हो तो आपके लिए सिस्टर इन लॉ कौन रहेगी, आपके हस्बैंड की बहन दैट इज योर सिस्टर इन लॉ, या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ कौन रहेगी, आपके भाई की वाइफ दैट इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ, क्लियर। एंड अगर सपोज ब्रदर इन लॉ देखा जाए तो ब्रदर इन लॉ देखो कैसे आएगा, ब्रदर इन लॉ यानी कि अगर सपोज आपके लिए अगर आप लड़की ही हो आपके लिए ब्रदर इन लॉ कौन रहेगा,
आपके हस्बैंड के भाई, दैट इज ब्रदर इन लॉ, एंड सेकेंड थिंग इज आपके बहन के हस्बैंड, वो भी ब्रदर इन लॉ आएंगे. क्लियर? अपना छोड़ के अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप्स में जो आते हैं, दैट इज इन अंदर जो भी लोग हैं, लाइक अपने सेम जनरेशन में अपने भाई बहन, अपने सेम जनरेशन में अपने हस्बैंड के भाई बहन, किसी का भी लड़का, दैट इज नेफ्यू, भांजा, भतीजा, राइट, ब्रदर्स डॉटर, नीस, भतीजी, भांजी, अपनी छोड़ के अपने सेम जनरेशन में कोई भी हो उनकी लड़की, दैट इज नीस, अंकल्स और आंट्स, सन और डॉटर. एक चीज हमेशा याद रखना, इंग्लिश बहुत आसान है ऐसे चीजों में, आपका कोई भी भाई हो, अपना सगा भाई छोड़ के कोई भी, आपका मामा का लड़का, आपका चाचा का लड़का, आपके बुआ का लड़का, आपके मौसी का लड़का, आपके मौसी की लड़की, कोई भी हो, आपका हर एक इंसान कजिन ही आने वाला है. ठीक है? देन सिस्टर्स हस्बैंड, दैट इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ. मैंने बोला था ब्रदर इन लॉ दो आते हैं, सिस्टर इन लॉ दो आते हैं, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ. देन ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, दैट इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर. मतलब क्या किया, जनरेशन जो है, अभी तक हमने सिर्फ तीन जनरेशन देखी, एक सबसे पहले सन डॉटर वाली, फिर हस्बैंड वाइफ, फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर. बट उन्हीं के भी मम्मी पापा जो होते हैं, दैट इज ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, उसके आगे ग्रेट लगता है. इज इट क्लियर? ये पूरी की पूरी रिलेशनशिप्स आपको क्लियर हो गई? देन अभी ये जो रिलेशनशिप्स होती है, ये रिलेशनशिप आपको दो तरह से आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. सबसे पहले फर्स्ट वन इज थ्रू द जेंडर, राइट? थ्रू जेंडर मतलब कैसे, अगर मेल को अपन को दिखाना है तो मेल के लिए अपन स्क्वायर सिंबल यूज करेंगे, अगर फीमेल दिखानी है तो फीमेल के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ सर्कल, अगर आपको स्पाउस रिलेशनशिप दिखानी है, दैट इज हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, इन दोनों को कंबाइन किया इस डॉट ने, दिस डॉट इंडिकेट स्पाउस रिलेशनशिप. देन अगर आपको सिबलिंग्स की रिलेशनशिप दिखानी है, सिबलिंग्स यानी कि मराठी में बोलते भावंड, राइट? भावंड मतलब भाई भाई, भाई बहन, या फिर बहन बहन. ठीक है? ये हो गया थ्रू जेंडर. एंड सेकेंड थिंग इज जनरेशन्स भी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. तो अभी ये जो जनरेशन्स है, अगर आपकी सेम जनरेशन रही तो सेम जनरेशन अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू दिखाते हैं, अगर आपकी डिफरेंट जनरेशन रही तो अपन वर्टिकल लाइन दिखाते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन के रिलेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल, लेट सी दिस. चलो देखो क्या बोल रहे हैं. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, ही इज द सन ऑफ, द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. सबसे पहले क्या करेंगे, कौन बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, किसी एक लड़के के बारे में बोल रहा है. ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो ये सेंटेंस होता है डबल एपोस्ट्रॉफी में, उसको कैसे अपन डीकोड करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले अपन फोकस करेंगे इस माय के ऊपर. माय कौन बोल रहा है, सुरेश. तो माय यानी कि सुरेश, सुरेश की मम्मी. ठीक है, फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर जितने भी ऑफ है, उस ऑफ के बाद कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप बोली है, वो रिलेशनशिप अपन माय से पीछे कैलकुलेट करते जाएंगे. माय मदर, ये फर्स्ट रिलेशनशिप हुई, नंबर वन. सेकेंड रिलेशनशिप, माय मदर का ओनली सन, नंबर टू. एंड नंबर थ्री, उसका सन. एकदम सिंपल फॉर्मेट में
सुरेश बोल रहा है किसी बॉय को देखते हुए कि वो जो लड़का है वो लड़का मेरी मम्मी का जो इकलौता लड़का है, द ओनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर ओनली, इकलौता। अगर देखो आप ही बोल रहे हो कि मेरी मम्मी का इकलौता लड़का और उसका लड़का, वो आपका कौन लगेगा? ये क्वेश्चन पूछा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कैसे रहेगा? अगर सुरेश बोल रहा है, वो खुद एक मेल है, वो बोल रहा है मेरी मम्मी का इकलौता लड़का, मतलब वो खुद हो गया सुरेश, राइट? तो यहां तक का जो अपना आंसर आया वो क्या आया? सुरेश, एंड वो सुरेश का लड़का, राइट? सुरेश का लड़का हो गया। तो क्या है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? रिलेटेड टू दैट बॉय। अभी ऐसे क्वेश्चंस जो फॉर्म करते हैं, उस फॉर्मिंग का मतलब देखो कैसे होता है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? उस बॉय के अकॉर्डिंगली सुरेश कौन लगेगा बॉय का, वो यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये बॉय है, इस बॉय के वो पापा आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज, सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी फादर। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है, तो आप एक काम करना, उसी क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइंड कर सकते हो, फिर से एक बार पीछे जाके फिर से अच्छे से देख सकते हो। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इंट्रोड्यूसिंग वीना, कावेरी सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। क्या करेंगे सबसे पहले? दिस माई फादर्स ओनली डॉटर, फिर उसके बाद ये एक ही ऑफ आ रहा है। पहले माई फादर्स मतलब किसके पापा? कावेरी के पापा। कावेरी के पापा की इकलौती लड़की, मतलब कौन? खुद कावेरी। एंड कावेरी की लड़की, कावेरी की इकलौती लड़की कौन है? वीना। मतलब क्या? दिस इज कावेरी, एंड कावेरी की इकलौती लड़की ये है वीना, राइट? देन क्या पूछा है? हाउ इज कावेरी रिलेटेड टू वीना? ये वीना के लिए कावेरी कौन लगेगी? ऑब्वियसली मदर। क्लियर? आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी आती है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना, एंड आपका कमेंट भी देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग अ पर्सन, अ लेडी सेज, ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। हाउ इज द रिलेटेड वुमन टू दैट पर्सन? ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा है, सारा का सारा ऊपर से गया होगा, राइट? बट अभी उसको ऊपर से नीचे कैसे लाना वो देखते हैं। लेट्स सी, ही इज द फादर ऑफ माय। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस माय को फोकस करेंगे। कौन बोल रही है? लेडी। माय ओनली डॉटर इन लॉज मतलब उसकी, ये जो लेडी है उस लेडी की इकलौती बहू, डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, उस लेडी की बहू उसके ससुर, मतलब वो लेडी के लिए वो कौन हो गए? हस्बैंड। मतलब यहां तक तो वो हस्बैंड आ गए उस लेडी के लिए, क्लियर? एंड ही इज द फादर, हस्बैंड के फादर। मतलब सपोज इफ दिस इज अ लेडी, राइट, एंड दिस इज हस्बैंड एंड उनके फादर, फिर क्या पूछा है? हाउ इज द रिलेटेड वुमन टू दैट पर्सन? अभी ये जो लेडी है, ये लेडी इसके लिए कौन लगेगी? अपने लड़के की वाइफ, यानी कि डॉटर इन लॉ। इज दैट क्लियर? अरे बापरे, जस्ट अ मिनट, बीच बीच में कोई समस्या आ जाती है, चलता है, ठीक है? दिस इज डॉटर इन लॉ, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर क्वेश्चन। सी दिस, क्या बोल रहे? पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ?
जब अपन वो लाइन पढ़ते हैं ना, सॉरी बट वन फ्लो के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आता है, बट अगर उसको अपन ब्रेक करते हुए पढ़ते गए तो ऑब्वियसली वहां पे ही समझ में आ जाएगा. अभी देखो, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर. माय ब्रदर, मेरा भाई. ये माय पॉइंट किया, फिर ऑफ, राइट? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. क्लियर? मेरा भाई, मेरे भाई के पापा, मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की लड़की, मतलब मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर का सन, मतलब मेरे लिए कौन? अपना छोड़ के अपने सेम जनरेशन के अंदर जिनका लड़का होता है उसको अपन क्या कहते हैं? नेफ्यू. ठीक है, तो वो लड़का कौन आएगा? वो लड़का आएगा नेफ्यू. हाउ बाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन? अभी उन्होंने क्वेश्चन अलग पूछा है, वो लड़का कौन लगता है वो नहीं पूछा. उस लड़के के लिए वो बाजपेयी कौन लगता है वो पूछा है. उस लड़के के लिए बाजपेयी कौन लगेंगे? अपने मम्मी के भाई, यानी कि मैटरनल अंकल. सो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज अ मैटरनल अंकल. इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा तो जोरदार लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों को, एंड क्या होता है ब्लड रिलेशन उनको भी सिखाना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम हो जाए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम होगी, तो आपको उस एग्जाम के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है. ये अपनी ब्लड रिलेशन की हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो. अभी ये एक वीडियो के बाद हमारी कई सारी वीडियोज होने वाली ब्लड रिलेशन के अंदर. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.